हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफरेंट गैंचल। तो व्यूअर्स, आपके लिए एक खुशखबरी है कि जिन लोग आसाम पुलिस कांस्टेबल इंटरव्यू देने के लिए बहुत दिनों से वेट कर रहे हो, तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि न्यूली आसाम पुलिस एबी एंड यूबी कांस्टेबल इंटरव्यू के लिए एडवर्टाइजमेंट ऑफिशियल वेबसाइट में दे दिया गया है एंड काफ़ी सारी वैकेंसीज है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कितना वैकेंसी है एंड कब से आप अप्लाई कर सकते हो, और इम्पोर्टेंट इस वीडियो के द्वारा आप जान सकते हो। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, ओके। तो व्यूअर्स, उससे पहले अगर आप इस डिफरेंट ज्ञान चैनल पे न्यू व्यूअर्स हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह इसी चैनल्स के वैल्यूबल वीडियो आपको मिलते रहेगा। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, ओके। चलिए मैं आपको पूरा डिटेल्स एंड इम्पोर्टेंस क्या क्या बात है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ओके। तो व्यूअर्स, यहाँ पे देखिए न्यूली दो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे न्यूली अपडेट हो चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पे, यानी रिक्रूटमेंट बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो देखिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिस क्या दिया गया है। पहला जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया है सब इंस्पेक्टर के लिए, यहाँ पे 306 पोस्ट सब इंस्पेक्टर के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। एंड यहाँ पे एबी एंड यूबी कॉन्स्टेबल इंटरव्यू के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पहले कॉन्स्टेबल एंड यूबी कॉन्स्टेबल इंटरव्यू के लिए क्या एडवर्टाइजमेंट दिया गया है एंड क्या इंपॉर्टेंट क्या दिया गया है इसके द्वारा, सॉरी इस वीडियो द्वारा आप जान सकते हो। चलिए मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूं यहां पे। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ 705 पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ईवी, तो ईवी के लिए 705 पोस्ट एंड एबी के लिए 1429 पोस्ट दिया गया है, सॉरी कांस्टेबल पोस्ट दिया गया है आसाम पुलिस के अंडर में। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट यहाँ पे ग्रेड पे दिया गया है 5600 एंड पेमेंट यानी पे स्केल है 14000 से लेकर 60500 तक पे स्केल दिया गया है। एंड आप अप्लाई कर सकते हो 10 दिसंबर 2021 से लेकर 9 जनवरी 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी 9 जनवरी 2021 से पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या क्या और क्या क्या डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी क्या क्या दिया गया है यहाँ पे देखिए। अगर आप आन आन ब्रांच में अगर अप्लाई करना चाहते हो या डीएफ में अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको 705 पोस्ट रहेगा इसमें। और रिजर्वेशन कोटा यहाँ पे दिया गया है एक्सटीपी के लिए 10% रिजर्वेशन कोटा एंड एसटीएच के लिए 5% एंड एससी के लिए 7% है, ओबीसी एंड ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन कोटा यहाँ पे दिया गया है देखिए। एंड उसके बाद यहाँ पे 30% वोमेन कैंडिडेट के लिए डीएफ में दिया गया है। अगर आप वोमेन कैंडिडेट हो तो जरूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि आपके लिए ये अफसर आपके हाथ से मिस नहीं होना चाहिए, ओके। तो एंड इसके बाद 10% रिजर्वेशन कोटा यहाँ पे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए दिया गया है। जिन लोग अनरिजर्व कैंडिडेट है अगर आप लोगों के पास इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट है, तो आपको 10% रिजर्वेशन कोटा पे रखा जाएगा। तो आप अगर आपके पास इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप अभी जाके बनवा दीजिए, ओके, तब जाके आपको 10% रिजर्वेशन कोटा मिलेगा आपको। लेकिन ये 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैंडिडेट के लिए ओनली फॉर है, एससी एसटी एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए नहीं है। एससी एंड एसटी ओबीसी कैंडिडेट के लिए 27% रिजर्वेशन कोटा ऑलरेडी दिया गया है, ओके, सॉरी ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन कोटा दिया गया है। एंड आर्म ब्रांच यहाँ पे दिया गया है सेम रिजर्वेशन कोटा, एंड यहाँ पे देखिए सेम रिजर्वेशन कोटा दिया गया है। एंड चलिए मैं आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज कितना है यहाँ पे देखिए। यहाँ पे बक्सा, बाजोली, बोरपेटा एंड काचार डिस्ट्रिक्ट में 32 वैकेंसीज है यूबी के लिए। एंड अगर आप अपना डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी जानना चाहते हो, तो आप लोग इस पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड कीजिए एंड डाउनलोड करने के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वही डिस्ट्रिक्ट में कितना वैकेंसी दिए गए आप जान सकते हो, ओके। एंड इसके बाद नीचे देखिए एबी के लिए काचार डिस्ट्रिक्ट में 64 वैकेंसीज है, ओके। तो चलिए मैं आपको स्पेशल कैटेगरी के बारे में डिस्कस करता हूँ रिजर्वेशन कोटा। तो स्पेशल कैटेगरी जिन लोगों के पास है, इन लोगों को एक्स्ट्रा 2 मार्क्स दिया जाएगा। देखिए या कि अगर आपके पास हुंगर सर्टिफिकेट है, अगर आप हुंगर ड्यूटी करते हो या बीटीपी सर्टिफिकेट या बीटीपी ड्यूटी करते हो या एसपीओ सर्टिफिकेट है, तो आपको एक्स्ट्रा 2 मार्क्स दिया जाएगा यहाँ पे देखिए। एंड एक्स्ट्रा फैसिलिटी और भी है यहाँ पे है देखिए, स्पॉट पर्सन्स के लिए 2% एक्स्ट्रा मार्क दिया जाएगा, ओके। तो इसके बाद चलिए मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बोल देता हूँ यहाँ पे देखिए। कैंडिडेट मास रजिस्टर हिज हर नेम विद द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अगर आप यहाँ पे आसाम पुलिस में अप्लाई करना चाहते हो, तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड नहीं है, तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो अभी जाके आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड बनवा दीजिए। अगर आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड रिन्यू नहीं है, वैलिड इनवैलिड हो चुका है, तो अभी जाके आप रिन्यू करवा दीजिए। एंड किस तरह आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड एंड रिन्यू किस तरह कर सकते हो, इसका भी मेरा वीडियो है, आप लोग देख लेना। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप लोग जरूर देखना किस तरह आप ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ओके।
तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट मास्ट स्पीक आसामीज और एनी अदर स्टेट लैंग्वेज, आपको आसामीज लैंग्वेज जानना जरूरी है। अगर आप आसामीज लैंग्वेज नहीं जानते हो तो आप यहाँ पे अप्लाई करके कोई फ़ायदा नहीं। तो व्यूअर्स आसाम पे अगर हो तो आसामीज लैंग्वेज आपको जानना जरूरी है, मस्ट। ओके चलिए मैं आपको इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें मैं आपको बोल देता हूँ। इम्पोर्टेंट सबसे मेन इम्पोर्टेंट है एज रिलैक्सेशन। तो व्यूअर्स बहुत सारे कैंडिडेट ने मुझे कमेंट करते हैं कि एज रिलैक्सेशन एज चला गया है, मैं अप्लाई नहीं कर पाऊँगा, तो और कोई ऑप्शन है क्या मेरा एज बढ़ाने के लिए। तो आप सब लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। अगर आप इसी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए व्यूअर्स, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। ओके चलिए मैं आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में बोल देता हूँ, ध्यान से सुनिए। ओके तो व्यूअर्स यहाँ पे एज मिनिमम एज 18 इयर्स एंड मैक्सिमम 25 इयर्स तक दिया गया है। ओके अगर आपका इयर्स 25 से ज़्यादा हो गया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, इसका भी प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है एस सी एंड एस टी पी एंड एस टी एज के लिए 5 ईयर्स रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आपका अगर यहाँ पे 25 ईयर्स मैक्सिमम दिया गया है एंड यहाँ पे प्लस कीजिए 5 ईयर्स, यानी कितना हुआ 30 ईयर्स। तो 30 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। सॉरी अगर आपका एज 30 ईयर्स हो चुका है तो आप इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये एस सी एस टी पी एंड एस टी एज कैंडिडेट के लिए है ओनली। तो यहाँ पे देखिए ओबीसी एंड एमओबीसी के लिए 3 इयर्स रिलैक्सेशन दिया गया है। तो 25 प्लस 3 कितना होता है 28 इयर्स। अगर 28 इयर्स आपका है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपका 29 इयर्स अगर हो चुका है तो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप कर सकते हो। अगर आपका इयर्स 30 इयर्स हो चुका है ओबीसी कैंडिडेट, अगर आप ओबीसी एंड एमओबीसी कैंडिडेट हो, अगर आपका इयर्स 30 इयर्स हो चुका है यानी आपका उम्र 30 इयर्स हो चुका है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसका भी मैं प्रोसेस आप लोगों को बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिए। ओके तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स, ओके वीडियो को। तो किस तरह आप अप्लाई कर सकते हो मैं आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एज एडिशनल रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर्स यहाँ पे दिया गया है। एडिशनल रिलैक्सेशन यानी आपका 3 ईयर्स यहाँ पे दिया गया है ओबीसी एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए, एंड एडिशनल 3 ईयर्स यानी 3 ईयर्स कितना होता है 6 ईयर्स। तो 6 ईयर्स प्लस 25 ईयर्स कितना होता है 31 ईयर्स, यानी 30 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन किस तरह यह प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रोसेस है अगर आप होमगार्ड सर्टिफिकेट है आपके पास, अदरवाइज आप बीडीपीस मेंबर हो, रजिस्टर्ड बीडीपीस मेंबर होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर ये दोनों कैटागोरी ये दोनों स्पेशल कैटागोरी आपके पास है तो आपको 6 ईयर टोटल ओबीसी 3 ईयर्स एंड यहाँ पे 3 ईयर्स टोटल 6 ईयर्स आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ओके तो है ना कमल का चीज फ्रेंड्स, तो 30 इयर्स तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो अगर आप ओबीसी एंड एमओबीसी कैंडिडेट हो तो। ओके तो यहाँ पे ऑलरेडी तो 5 इयर्स यहाँ पे एस सी एस टी कैंडिडेट को दिया जा रहा है, लेकिन ओबीसी के लिए भी 3 इयर्स दिया जा रहा है एंड 3 इयर्स प्लस 3 इयर्स 6 ईयर भी 6 ईयर्स भी दिया जा रहा है। ओके यहाँ पे मैक्सिमम एडिशनल रिलैक्सेशन मैक्सिमम 10 इयर्स। यहाँ पे देखिए अगर एसपीओ हो, अगर आप एसपीओ सर्टिफिकेट है आपके पास या MMOS सर्टिफिकेट हो तो आपको एडिशनल 10 इयर्स तक रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, यानी आप 25 प्लस 10 कितना होता है 35 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। ओके तो अगर पिछले साल आपने इंटरव्यू पे फेल कर चुके हैं तो इस साल आप जरूर अप्लाई कीजिए। ओके तो बी वर्ष से चलिए मैं आपको मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बोल देता हूँ। अन आर्म ब्रांच के लिए एज हायर सेकेंडरी फर्स्ट होना चाहिए, एंड यहाँ पे देखिए आर्म ब्रांच के लिए यानी एबी के लिए एच एस एल सी यानी मैट्रिक पास होने से ही आप अप्लाई कर सकते हो। ओके इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिनिमम हाइट एंड चेस्ट ये सब आप लोगों को पता होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड्स किस तरह दिया लिया जाता है आसाम पुलिस के अंदर। ऑलरेडी आप लोगों ने कई बार इंटरव्यू दे चुके होंगे शायद, तो ये सब आप लोगों को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके व्यूअर्स एंड इस अप्लाई किस तरह कर सकते हो, अप्लाई ऑनलाइन आप कर सकते हो। यहाँ पे डेट ऑलरेडी मैंने बोल दिया आप लोगों को, ऑफिशियल वेबसाइट से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ओके व्यूअर्स तो व्यूअर्स इसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज कीजिए, मैं आप लोगों का रिप्लाई डेफिनेटली दे दूंगा फ्रेंड्स। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करना। ओके व्यूअर्स इस तरह वैल्यूबल वीडियो आप लोगों को इसी चैनल से मिलता रहेगा। ओके व्यूअर्स थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।